मास्टरबेशन क्या होता है और अगर आपने प्रोन मास्टरबेशन कर लिया है तो कैसे इससे बाहर आए। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था कि इस तरह का मास्टरबेशन बिल्कुल भी ना करें, तो बहुत लोगों के उसके बाद पर्सनल मेल आए हैं, मैसेजेस आए हैं, मैम कैसे इसे रोकें, क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई इससे मुझे और प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ। हाई, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोन मास्टरबेशन से बचें कैसे, कैसे इसे इंप्रूव करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोन मास्टरबेशन करते हैं या उनको उसके इफेक्ट्स नहीं पता है। तो चलिए मैं बात करी थी प्रोन मास्टरबेशन क्या होता है। एक तरीका होता है मास्टरबेशन का जब अपने हैंड से आप मास्टरबेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप हैंड से ना करते हुए किसी भी सख्त चीज के साथ अपनी बॉडी को उल्टा होकर रगड़ रहे हैं तो उसे हम प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। जैसे इसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका बेड है और इस बेड पर ये आप उल्टा लेटकर अपने पेनिस को यहाँ रगड़ते हैं तो इसे हम प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। यस, ये यूजुअल मास्टरबेशन से ज्यादा प्लेजरेबल होती है क्योंकि आपकी स्किन किसी चीज से टच हो रही होती है और आप उसे फील करते हैं एज अ गर्ल, एज अ पार्टनर कि मैं शायद उन्हें टच कर रहा हूँ। वैसी फीलिंग आने पर आपके प्लेजर जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे इफेक्ट्स बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। अगर आप काफी समय से प्रोन मास्टरबेशन करते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस हैं, साथ साथ आपका अराउजल लेट हो जाएगा, मतलब आपको नॉर्मल सेक्स करने पे या फिर किसी फीमेल के साथ करने पे वो प्लेजर फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उल्टा होके करते हैं तो आपकी जो थर्स्ट है, मतलब जो प्रेशर है, वो आपके पेनिस के आसपास पड़ती है, वहां की नसों के आसपास पड़ने से वहां की नसों पर इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत लोग जब प्रोन मास्टरबेशन करते हैं तो वो पहले पिल्लो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, फिर उनको शायद कुछ और हार्ड चाहिए होता है तो वो बेड पर आ जाते हैं या फिर उसके गद्दे से करने लगते हैं, फिर कई लोग फ्लोर पे मास्टरबेट करने लगते हैं टू मेक इट मोर प्लेजरेबल, और हर ज्यादा हाई इंटेंसिटी के चक्कर में उनकी प्रॉब्लम्स भी उसी रेट से बढ़ती जाती हैं। जब आप उल्टा होकर मास्टरबेट करेंगे तो आपके पेनाइल एरिया के आसपास ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये प्रेशर नेक्स्ट टाइम आपको इजैकुलेशन, जब आप नॉर्मल कर रहे होंगे तो आपके इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर आपको अराउजल भी नहीं होगा। और इस प्रॉब्लम को अगर हम नाम दे तो हम कहते हैं ट्रोमैटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है, TMS, मतलब आप जब भी नेक्स्ट टाइम मास्टरबेट कर रहे हैं या अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेज्म ही नहीं आ रहा, एनऑर्गेज्मिया में चले गए हैं आप। कब पहचाने कि प्रोन मास्टरबेशन आपको दिक्कत दे रहा है? जब आप अपनी वाइफ या पार्टनर के साथ कर रहे हैं और आपको बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा, आप हाथ कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा, अलग अलग पोजीशन में कर रहे हैं तो आपको प्लेजर या ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है, या फिर आपको एक्चुअल सेक्स अब पसंद ही नहीं आता क्योंकि आपको लगता है वो करने से मुझे प्लेजर ही नहीं होता, मुझे फिर प्रोन करके करना पड़ता है और तभी मैं डिस्चार्ज होता हूँ, देन इट्स अ हाई टाइम कि आपको यहीं से एक्शन लेने की जरूरत है और इसे कम करना पड़ेगा, नहीं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ना जाने और कितनी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब मैं बात करूं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लड़कों के जिनके पास मैं मैसेज आए हैं, मैम मैं कैसे बाहर आऊं, मैं चाहता तो हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस तरीके से मास्टरबेशन करना बंद करो। मुझे पता है कि अब आप हाथ से करने लगोगे या कहीं और से करने लगोगे तो आपको प्लेजर नहीं आएगा, बट स्लोली स्लोली आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है मास्टरबेशन हो सकता है दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार कर रहे हो, उसे आपने नहीं करना है। धीरे धीरे कोशिश करें कि इंटेंसिटी कम करें, अगर आप फ्लोर पे कर रहे हैं तो बेड पे आ जाइए, बेड से कर रहे हैं तो पिल्लो पे आ जाइए, पिल्लो से कर रहे हैं तो स्टैंड होके करने की कोशिश करें। स्टैंड करते के वक्त आप कोशिश कर सकते हैं कि हैंड में पिलो पकड़ के कर सकते हैं या फिर आप किसी पर्दे या किसी वॉल के आसपास खड़े होके भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है मुझे फिर भी नहीं आ रहा है, स्लोली एंड स्लोली फिर आप हाथ पे मास्टरबेशन करने पे आ जाइए एंड स्लोली ट्राई टू डू इट लेस। एकदम से ऐसा नहीं होगा, इस पूरे कोर्स में हो सकता है आपको 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज लग जाए, लेकिन हमें स्विच करना है, ज्यादा प्रेशर आपके पेनिस पे पड़ना या उल्टे होके मास्टरबेशन नहीं करना है। स्लोली एंड स्लोली आप पोजीशंस को चेंज करिए और अपने मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को कम करिए। यहां मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मास्टरबेशन करना बंद कर दीजिए और हाँ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने पाप कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए था, बट
द पॉइंट इज, जो मैं आपको इंडिकेट करना चाह रही हूँ या जो रेड फ्लैग देना चाह रही हूँ वो यही कि अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आपको सेल्फ प्लेजर से नहीं रोक ली हूँ लेकिन आपका खुद के नुकसान होने से रोक रही हूँ। वो है खुद को टेंशन फ्री रखना, खुद की वाइफ पे ज्यादा से ज्यादा काम करना और प्रोन मास्टरबेशन को रोकना। अभी आपको जरूर ये प्लेजर दे रहा है लेकिन कुछ समय बाद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और फिर आप परेशान हो जाओगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो अगर आप अभी भी इस चीज को समझते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं मुझे इस पे काम करना है तो इन टिप्स को फॉलो करें। आप चाहें तो पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com। थेरेपीज हेल्प करती हैं आपको ये पूरे प्रोसीजर को फ्रॉम हाई इंटेंसिटी टू लोअर इंटेंसिटी ताकि आप धीरे धीरे इस हैबिट से कम आ सकें। तो थेरेपीज और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करता है धीरे धीरे इस प्रोसेस से बाहर आने में और मैं हमेशा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। बने रहे, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो आऊंगी।